नुपुर शर्मा जी, इसके आगे कुछ कहने को बचता नहीं है। एक एक डॉक्टर जब असहाय होता हुआ ये कहे कि मेरा भी दिल दुखी होता है, लेकिन मुझे लोगों को वापस भेजना पड़ता है क्योंकि मेरे पास इलाज के लिए बेड नहीं है, उनको ऑक्सीजन के लिए तड़पते देखकर मुझे भी दर्द होता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, असहाय हूं। लेकिन एक व्यवस्था, एक चुनी हुई सरकार, वो कैसे असहाय हो सकती है? उसे तो इसी दिन के लिए चुना जाता है ना। क्या तैयारी में, वही सवाल जो हम रोज रोज पूछ रहे हैं, चूक हुई परिस्थिति को समझने में, क्या पहले से जो तैयारी हो सकती थी वो हमने बहुत देर कर दी शुरू करते करते? अंजना जी, इसमें जरा मैं तीन चार चीजें बताऊंगी आपको और इसको क्रोनोलॉजी में समझिएगा। सबसे पहले, जब पिछले साल अनलॉक की प्रतिक्रिया शुरू हुई थी तो इस वजह से हुई थी क्योंकि सारे राज्य सरकारों ने ये शिकायत दर्ज करनी शुरू कर दी थी कि अर्थव्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। चार वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ अन्य मुख्यमंत्रियों की हुई, जिसमें ब्लूप्रिंट मांगा गया कि किस तरीके से आप अनलॉक की प्रतिक्रिया चालू करेंगे। उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि अब से जो कोरोना पैंडेमिक है, इसमें एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम से चला जाएगा, जहां पे लॉकडाउन, और क्योंकि हेल्थ मतलब स्वास्थ्य एक एक राज्य सरकार के अधीन आने वाला संवैधानिक तौर तरीके से एक सब्जेक्ट है, किस तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मद्देनजर रखते हुए साथ में मिल के इस महामारी से जूझा जाएगा, चाहे वो टीकाकरण हो, चाहे वो टेस्टिंग हो, चाहे वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो, चाहे वो कंटेनमेंट जोन मैनेजमेंट हो। बहुत ऐसे अन्य क्षेत्र हैं जिसमें डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट किया गया। इसीलिए आज आप देख रहे हैं किस तरीके से राज्य सरकार लॉकडाउन कर रही है, राज्य सरकार के अधीन टेस्टिंग आती है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आती है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन मैनेजमेंट भी आता है। अब मैं अगर आपको बता दूं तो जनवरी फरवरी 2021 के बीच में 10 चिट्ठियां 10 विदेशों को लिखी गई थी कि प्रिपेयरेडनेस क्या है हमारी सेकेंड वीक, सेकेंड वेव और सेकेंड पीक के लिए। इसमें दिल्ली भी एक ये राज्य था। चिट्ठी नुपुर जी, मैं ये चिट्ठियां आपको आपने हाँ गुजरात और उत्तर प्रदेश को भी लिखी थी? एक काउंटर सवाल है, ये चिट्ठियां क्या उत्तर प्रदेश और गुजरात को भी भेजी गई थी? क्योंकि वहां पर भी वही हमने हालात दिख अन्य रहे हैं। अन्य हमने अन्य राज्य सरकारों में ये भेजी थी, और इसमें ये कोई भेदभाव नहीं किया कि कौन सी राज्य सरकार कौन सी राजनीतिक दल चला रहा है। मैं ये स्पष्ट कर दूं आज आपके सामने। अब आगे मेरी बात सुनिए। अब मैं आपको बता दूं तो नहीं, जैसे मंगलवार मैंने ये आपको इस स्पष्ट कर बात दिया, नहीं, नुपुर जी, ये इसलिए कह रही है ना आपकी, आपने राज्यों को आगाह किया था, लेकिन क्या वहीं पर जवाबदेही खत्म हो जाती है? मैं तो ये सवाल उठा रही हूँ, क्योंकि आपने ऐसे ही आगाह उत्तर प्रदेश और गुजरात को जरूर किया होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश जी और हाँ, गुजरात में भी वही हालात है, तो फिर आखिर जवाबदेही देखिए और जिम्मेदारी किसकी होगी? हाईकोर्ट ने कहा है, आप तो एक लॉयर है, हाईकोर्ट ने कहा है कि अपराधी माना जाएगा अगर ऑक्सीजन की वजह से किसी की भी मौत होती है, तो अपराध माना जाएगा। हम तो अपराधी को ढूंढ रहे हैं, देश अपराधी को ढूंढ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। मैं जरा अपनी बात कंप्लीट कर लूं प्लीज। मैंने आपको कहा था मुझे तीन चार मुद्दे बताने हैं, जरा प्लीज मुझे बोलने दीजिएगा दीजिएगा। मंगलवार को जो नहीं, आप अपनी बात DPAAIT की कंप्लीट जो करने के लिए थोड़ी एडिशनल आई हैं नुपुर जी, सेक्रेटरी, आप तो मेरे सवालों का जवाब देने आई हैं ना नुपुर मैं वही जी, दे रही हूं, मेरे सवालों का भी तो जवाब दीजिए ना। आप अपनी बात मैं वही कंप्लीट दे रही करते हूं। रहिएगा, आप मेरी लेकिन बात मेरे में सवाल का, हाँ ठीक है, जवाब दीजिए। आपने मेरी बात सुनने के पहले अज्यूम कर दिया। क्या बात कर रही है अंजना जी, बात तो सुन लीजिए मैं क्या कह रही हूं। मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने DPAAIT की एडिशनल सेक्रेटरी मिस सुनीता डावरा जी अपेयर करी, जबकि वो खुद कोरोना पीड़ित हैं। अभी उन्होंने एक बात स्पष्ट किया कि जो हमारी डिमांड के हिसाब से जो हमारी कैपेसिटी है 7200 मेट्रिक टन है, उससे अधिकतम हम प्रोडक्शन कर रहे हैं ऑक्सीजन की। उदाहरण के तौर पे मैं बताऊंगी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है। जिस तरीके से उड़ीसा के कल मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार में फोन करके बकायदा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहा है कि हम फुल कैपेसिटी में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेंगे, सारी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को हम मेडिसिनल ऑक्सीजन की तरह प्रोक्योर करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आज सप्लाई में मतलब कैपेसिटी ऑक्सीजन में कमी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन में किल्लत आ रही है, और वो क्यों है ये भी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सामने भली भांति बताया गया है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन प्राइवेट है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ओन नहीं है। मेरे सामने सुप्रिया जी बैठी है, मैं एक उदाहरण महाराष्ट्र प्रदेश का दूंगी। महाराष्ट्र प्रदेश ने ये सप्लाई मतलब के ट्रांसपोर्टेशन की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए अपने आप ही रेलवे मंत्रालय में चिट्ठी लिखी कि आप क्या हमारे को ग्रीन कॉरिडोर या एक तरीके से ऑक्सीजन एक्सप्रेस का प्रोविजन कर सकते हैं क्या? इसी तरीके से मध्य प्रदेश राज्य ने अपने आस पड़ोस में तमाम राज्य जिसमें कांग्रेस शासित राज्य भी इंक्लूडेड है, उनको फोन करके अपने आप एम्प्टी सिलेंडर्स को एयरलिफ्ट कराने का प्रावधान सुनिश्चित किया।
मेरा आखिरी सवाल ये है, दिल्ली में जब भी कमी आई है वो प्रेस वार्ता नहीं तो हर 5 मिनट में आने वाले विज्ञापन सेक्शन से कही गई, और आज तो शर्मनाक बात यह है कि सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए वो एक जो बहुत ही हाई कॉन्फिडेंशियल मीटिंग है जो आज तक किसी राज्य के किसी भी मुख्यमंत्री ने लाइव स्ट्रीम बिना परमिशन के नहीं करी, वो आज हुआ राजनीतिकरण,